सत श्री अकाल जी, मिलाप न्यूज चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद। और अज अभी तरन तारण जिले का जोड़ा वा खेतीबाड़ी कैंप जोड़ा वा लगाया गया सीगा इतने आर के रिजोर्ट के आए हैं। इतने किसानों वास्ते जोड़ा वा जिला पद्धरी कैंप का आयोजन किया गया प्रशासन वालों। और इस कैंप के वख वख तरह के मशीनरी और किसानों सस्ते बीजा के जड़े आ स्टाल लगा के जी वी जी मदद दी गई है। और हाड़ी दी फसलों वास्ते जोड़ा वा किसानों जानकारी दी गई है भी हाड़ी की कणक की जी नवी तो नवी किस्म आ वो कि बीजनी आ ते कीदा वधिया झाड़ हो सकता वा। और ये ही जोड़ा वा अज इस कैंप के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर भी शिरकत की सी। उन्होंने भी किसानों जोड़ा वा पराली जी झोने की पराली आनू ना साड़न बारे जी किसानों हदायत जारी की आ। और प्रशासन ने भी इस गल पर पूरा जोर लाया वा भी जी पराली आनू अग ना लई जाए ता जो धरती तो पानी की जी सामभ संभाल की जा सके। तो किसान भीर बेनती की जाती आ भी वैसे भी इस वारी जी झोने की फसल आनू जदों तो कट लें जे वेच लेंदे जे मंडिया जे पराली में जी अग ना लई जाए तो धरती के पानी को बचाने की जी वी मुहिम जारी की गई है तो वो वाल ध्यान दिता जाए। मनविंदर मिलाप, मिलाप न्यूज तरन तारण। चलनी जी खेतीबाड़ी कैंप लगने बड़े जरूरी है। किसानों अवेयर करना जिवें अपना पानी दिन ब दिन थले जाता जिहड़े किसान वीर नहीं अग लाउंदे जमीन दे विच उन्हां दा झाड़ दूजे किसानों के मुकाबले दो तीन क्विंटल कणक का दो तीन क्विंटल झोने का भी वध निकलता है। नदीनाशक दवाइया घट पाउण दी लोड़ पैंदी है। जिहड़ियां कीड़े मार दवाइयां वह भी घट पाउणियां पैंदियां नाल यूरिया खाद जिथे आपां झोने नूं चार चार बोरियां पाउण ते आ गए हाँ। जदों जिन्हां किसानां ने पांच पांच छे छे साल हो गया कि नहीं लाई उन्हां दे एक डेढ़ बोरी नहीं सर जांदा झोने दा। तो जदों साडी बासमती रिजैक्ट हुंदी आ बाहर दूजे देशों के विचों कि इस जहर की मात्रा ज़्यादा आई है उहदा कारण कितने ना कितने इहो हुंदा जिहड़ी यूरिया वध पैंदी आ दवाइया की स्परे वध हुंदी आ। तो जदों असीं स्परेयां घट करांगे यूरिया घट पावांगे तो आटोमैटिक साडी जिहड़ी फसल आ वो जिहड़ी आ जहर तो बिना होगी। तो साडी जिहड़ी बासमती आ जां होर भी कोई भी फसल आ उहदा रेट जिहड़ा विदेशां दे विच वध होगा। तो नाल देखो धरती साडी मां इक मां सानूं जन्म दिंदी आ ते दूजी मां बहुत धरती आ। तो मेन तो मैं कहूँगा मां ही साडी धरती है जिहदे चों पाणी निकलदा ही रहिंदा जिहदे ते असीं घर बना के रहिंदे आ सौंदे आ बहिंदे आ जिहदे ते हल चला के असीं आपदे परिवार पालदे आ। तो कला ये भी अं पालते हैं ना साढ़े पुत पोतरे पोतरे जिन्हें चेर दुनिया रहनी आ उन्ना चेर साडियां पुश्तां इस धरती मां तों रोटी खानी है। इस करके सानू आखरी ये सोचना चाहिए कि साडी मां आ जिहनूं अग लावांगे इहदे च तराकी तत आ गंडोए आ होर कई तरह के जिहड़े नुकसान हुंदे आ जिहड़े असीं के खादा दवाइया पा के स्प्रे करदे आ जिहड़े कि आलरेडी विच हैगे आ वो खत्म हो जाते हैं। दूजे नंबर पर जिहड़ा साडा पौण पाणी आ हवा वह दूषित हो जाती है। तो जदों देखो आज जी दमा आ कैंसर आ जां होर कई बीमारियां चमड़ी दियां वह तां ही फैलदियां पईयां जिहड़े साडा वातावरण आ हवा प्रदूषित हो गई आ। जे इहो अग ना लगे धुआं ना होवे विच साडे असमान दे ते लोकां नूं चंगी आबो हवा मिले ते मैं ते किसान वीरां नूं इह अपील करदा अग ते लाउणी जिहड़ी उह ते चाहीदी नहीं अग लाउणी। दूजे नंबर पर सानूं वध तों वध रुख लाउणे चाहीदे आ टाली अरगे नीम अरगे वधिया रुख जिहड़ा कोई 20-25 साल सानू लक्कड़ भी कोई ना कोई मुनाफा दे सके। हुण टाली जे वड्डी आ जफ्फे च आउंदी होवे टाली ते घट तों घट 2-2.5 लाख दी टाली वेचदी ते 25-30 साल दीआं जिहड़ियां टालीआं तैयार करके बेचीआं होण ते असीं आपणीआं कई जोड़ां पूरीआं कर सकदे आं। इक रुख 100 सुख ते मनुख वी तां ही आ जे अज्ज आपणे आले दुआले हरियाली आ रुख आ ते फिर ही आपां साह लैंदे पए किसान वीरां नूं इहो अपील आ कि अग ना लाउण पाणी जिहड़ी उहदी घट वरतों करन सिधी पैई करन झोने दी नाल सहायक धंदे अपनाउण जिवें मझां रखण नीली रावी मोहरां नूं रखण
पोल्ट्री का धंधा अपना मच्छी फार्मिंग कर जे आप सहायक धंधे अपनावे तो किसानी ता ही बच सकती है, नहीं तो किसान दिनों दिन नगार ले जाता पाया। मैं आप किसान तो मैं खुद पिछले दसा साल तो सेवादार बन के पट्टी हल्के का पंजाब का सेवादार बन के काम कर रहा तो हूँ भी मैं उस बंदे को फसल बचा वा उन्होंने पहला शर्त कर ली थी भी मैं अग नहीं पैली चला जी कह पैली के बच्च ही आप वाणी है जे अग लानी तो मैं पैली से तेन वाल नहीं देना। देखो हड़ा के जोड़े मुआवजे आ एक एक रुपया जिदा नुकसान होया वो खाते च पे कुछ जोड़े मुआवजे वो पै भी रहे अपनी बाकी थोड़ा जहा कई कई ना जमाबंदियां का जी फर्क है वह करके थोड़ा जहा है मुआवजे जल्दी यह नहीं होगा कि जिदी पन्नू इधर पैली नुकसान नहीं होया खाते मुआवजा पै जरा फसल नुकसानी गई वे खाते रुपया का पा एक एक रुपया जो भी योग मुआवजा वा वो एक एक रुपया जेडे किसानों का नुकसान होया उन्होंने खाते च पेगा। अं किसान वीर के नाल हाँ जे किसी के घर का नुकसान होया वह घर भी बनवा के देवे किसी गलों नुकसान तो हो बहुत ज्यादा जिन्ना नुकसान होया कोई भी बंदा पूरा नहीं कर सकता कुदरती आफत है। जिला खेतीबाड़ी अफसर वालों पंजाब सरकार हिदायत अनुसार जिहड़ा खेतीबाड़ी कैंप लगाया गया किसान वीरां नूं अवेयर किया गया कि जिहड़ी झोने की पराली आने वाला सीजन अपना झोने का वो आपां अग नहीं लगाउणी सरकार वल्लों वख वख संदां ते सबसिडियां दे के जिवें किसानां नूं दे रहा सोसाइटियां ते भी दे रहा। पंजाब सरकार दा इक होर बड़ा वधिया उपराला कि पंचायतां नूं भी हुण देण लग्गिया सबसिडियां ते जिहड़े सुपर सीड वगैरह जो भी किसानी के प्रति संद आते हैं तो साड़ी किसान भरावों यही अपील है कि यार कि आप झोने की पराली जी अग नहीं लानी तो वो तो जोड़ा सुपर सीडर का इस्तेमाल करके कणक बीजिए तो अपने वातावरण को साफ बनाई। धन्यवाद पहला तो मैं आप जी के जो चैनल वह धन्यवाद करता हूँ कि तुम इतने आके पूरी कवरेज की है किसानों असी जी आने वाली हाड़ी की फसल है कणक की जी बिजाई बारे उन्होंने जानकारी दी गई है तो जी सा सौनी की फसल जी हूँ इस वक्त पक्की पई है वो पराली प्रबंधन बारे किसानों जोड़ा वा जानकारी दी गई जो उन्हें बारे मशीनरी यूज करनी है वो जानकारी दी गई है। सब तो पहला जोड़ा कैंप का उद्घाटन है मानजोग साढ़े डीसी संदीप कुमार जी उन्होंने आए थे उस तो बाद जो कैंप की जी प्रधानगी साढ़े मानजोग कैबिनेट मंत्री लालजीत जी ढुल्लर साडे मानजोग एम एल ए साहब डॉक्टर सोल जी मानजोग एम एल ए खड़ूर सरदार मनजिंदर सिंह जी लालपुरा जी साडे चेयरमैन गुरदेव सिंह जी लाखना चेयरमैन साडे बहरवाल चेयरमैन रजिंदर सिंह मुसमा मार्केट कमेटी हरीके दे चेयरमैन सरदार दलपाल सिंह जी। किसानों सस्ते भावियां दवाइयां खेती संद स्टाल इन बारे किस तरह का सिस्टम किया गया साढ़े को इस वेले जिहड़ा किसानां वास्ते सब तो जिहड़ी नवीं टेक्नीक का सरफस सीडर उहदी इह प्रदर्शनी लाई सी इहदे विच इह दस्सणयोग है कि यह जिहड़ा सरफस सीडर नाल जिहड़ी आ कणक दी बिजाई है जिहड़ी उह मल्टी टेक्नीक नाल हुंदी है उहदे विच किसान का सिर्फ 700 रुपया खर्चा आउंदा ते इहदी खासियत यह है कि यह 35 तो 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी जिहड़ा इहनूं चला सकदा ते नाल दी नाल ही जदों मल्टी टेक्नीक नाल इहदी जिहड़ी है ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1509 ਅਤੇ 1692 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਆਈ ਹੈ PT22826 ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ 29-60 30-80 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।